हमारे तो आपने प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपये का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपये की 200 रुपये की फोटो का 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये लेते हो, तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे खींच सकता हूँ। हमें पता है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत लगती है आपकी फोटो खींचने में, आप एक स्टूडियो तैयार करते हो, आप आर्टिस्ट बुलाते हो, उसकी फोटो खींचते हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहने को तो कोई कह सकता है 200 रुपये की फोटो, 1,000 रुपये की फोटो, 2,000 रुपये की फोटो, क्यों 40-50,000 रुपये लेते हो एक एक फोटो का, क्यों 20-20,000 रुपये लेते हो एक एक फोटो का? प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपये की बेच रहा हूँ, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है, इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5-10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जा करके 20,000 में की इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। अगर किसी ने बोला तो कोर्स पसंद नहीं आया तो पूछते कि आपने कितना कोर्स अटेंड किया था? पूछा आपने? आप वहां पे बोला सेल्स सिखा रहे थे, क्यों सेल्स सीखनी नहीं चाहिए? क्या सेल्स सिखानी चाहिए? जैसे आपने देखा था पूरा कोर्स आपने कंप्लीट किया था? जब मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी उनको ही कहा। अच्छा, वो उन्हीं लोगों की होगी जो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा था कि जिनका कट गया है। हाँ, वही लोग थे, है ना। हाँ, कि आपने कहा था पैसे कमा लो, सबसे फ्रॉड कंपनी है ये वो, और फिर भी ये सब चल रहा है, बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहाँ पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई MBBS नहीं किया है, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या US से, UK से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहाँ से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश।